चलो बेटा, आज हम लोग कंप्लीट रिवीजन करेंगे और जिसके अंदर दो चैप्टर कवर करने वाले हैं, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और कॉमन साइज। ठीक है, आओ। हाँ जी, ईयर एंड पे नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बनेंगी, उसके साथ में कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनेंगी और कॉमन साइज भी। उसके साथ में और क्या बनता है? रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऑडिटर्स रिपोर्ट और ये सारी चीजें बनती हैं। इसके अंदर से हम लोग आज ये दोनों चीजें कवर करने वाले हैं। सबसे पहले कवर कर रहे हैं कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हाँ जी, ये है हमारी नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और इसके साथ में क्या अटैच हो जाती हैं? कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इनके अंदर चेंज क्या रहता है मेजरली? जैसे हमें नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रीवियस ईयर और यहाँ पर करंट ईयर शो करते हैं, पर यहाँ पर ये चीज़ें उल्टी हो जाती हैं। प्रीवियस ईयर पहले लिखा जाएगा, करंट ईयर उसके बाद लिखा जाएगा। उसके बाद आपको निकालना है एब्सोल्यूट चेंज और फिर निकालना है परसेंटेज चेंज। एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकलेगा? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। और परसेंटेज चेंज के लिए क्या करेंगे? इसका जो रिजल्ट आएगा उसे डिवाइड करना है प्रीवियस ईयर, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दोगे तो परसेंटेज वैल्यू मिल जाती है। अच्छा, एक चीज का आपने यहां पर और ख्याल रखना है, टाइटल जो यहां पर लिखा होता है ना वही सेम टाइटल यहां पर रहने वाला है। हाँ, अगर आप इसके ईयर चेंज कर रहे हो तो डेफिनेटली इसके ईयर भी उसी ऑर्डर में लिखे जाएंगे। नहीं है समझे आपको? अच्छा, यही सेम चीज बैलेंस शीट के बारे में भी रहने वाली है। ठीक है ना? अब भाई देखो, अगर आपको ये अंदर की चीज याद ही नहीं है तो डेफिनेटली आप कंपैरेटिव वाली चीज़ें नहीं बना पाएंगे, तो आपको चैप्टर वन पे काम करने की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। चलो, सबसे पहले इसके अंदर कवर करेंगे कंपैरेटिव बैलेंस शीट। हाँ जी, अब जैसे इस क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी हमें पूरी की पूरी बैलेंस शीट बना के दे रखी है, तो आपने सिर्फ क्या करना है, इसका ऑर्डर पहले चेक कर लेना। 21 और 22 है तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, 21 और 22 को उसी ऑर्डर में लिखना है। फिर उसके बाद एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज पे आ जाते हैं। ज़रा बताओ इसमें कितना चेंज आ रहा है? यहाँ पर प्लस का 3 लाख है ना? हाँ, तो इसे कैसे निकालेंगे? 3 लाख डिवाइडेड बाय कितना आ गया? 60। और इससे कितने डेसिमल तक लेके जाना है? 2 डेसिमल पर ले जाके रोक दो, चाहे वो उससे आगे जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है ना? आओ जरा कोई और उठा लो, सेम आ जाएगा। वैसे तो इसमें कितना चेंज आ रहा है? 1 लाख, तो ये आ जाएगा 33.33%। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे आप खुद कर लेना। आपने इसको भी ऐसे ही चेक करना है, इस तरह से चेक नहीं करना है इन्हें भी। ठीक है, इसके अंदर क्या चेंज आ रहा है? 5 लाख, तो 5 लाख डिवाइडेड बाय कितना आ गया? 50। बात समझ आ गई है? अच्छा, इसके अंदर कुछ कॉमन एरर्स जो आप लोग जनरली करते हैं, जैसे ये वाला टाइटल ना लिखने की आदत। ठीक है, डेसिमल को कुछ बच्चे यहीं पर छोड़ देते हैं, बस इसके आगे जाते ही नहीं है। ठीक है, उसके अलावा इन बुलेट्स का थोड़ा सा अपनों ख्याल रखना है। जैसे कि यहाँ पर पहली बुलेट हमारी किस ऑर्डर में आती है? रोमन में। उसके बाद अगली बुलेट नंबर में, फिर अल्फाबेट्स में। अल्फाबेट्स के अंदर अगर मैं जाऊँ तो स्मॉल नंबर्स। ठीक है ना, याद रहेगा ये बुलेट्स का ऑर्डर? मुझे पूरी उम्मीद है आप इसे भूल जाएंगे। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, पर इतना कॉम्प्लिकेटेड वैसे है नहीं। ये तो दो ही तो चीज़ें हैं इसके अंदर, उसके बाद 1A और स्मॉल 1, 2, 3 करके आगे चलाते जाना बस। ये बुलेट्स आपका रास्ता सही रखेंगे, इसलिए बताए जाते हैं। ठीक है ना, तो ये कुछ कॉमन एरर्स हैं जो आपको फॉलो करनी है। चलो, अच्छा इस क्वेश्चन के अंदर दिक्कत कहाँ फंसेगी? हाँ, इसमें आपको बैलेंस शीट पहले पूरी आनी चाहिए। अगर बैलेंस शीट नहीं आएगी तो बस, ज़्यादा कुछ नहीं, आप इन आइटमों को ऊपर नीचे कर देंगे, इनको सही जगह पर सही कमरा नहीं दिखा पाएंगे आप, तो आपको इस बात का ख्याल रखना होगा। ठीक है, आइए ज़रा अगला क्या है? कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए ज़रा, अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं SPL पे जाऊँ, नॉर्मल SPL पे, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, उसके बाद वहाँ तो होता है अदर इनकम, पर यहाँ पर अदर इनकम है ही नहीं, तो मेरे लिए ये यूजलेस है। और जब अदर इनकम ही नहीं है तो मैं टोटल इनकम बना के करूँगा क्या? अब आ जाओ खर्चों पे।
खर्चों में यहाँ पहला खर्चा कौन सा है? एम्प्लॉय बेनिफिट, जो कि यहाँ पर आता है, तो ये वाली चीज़ें भी नहीं है। आगे चलो, अगला क्या है? अदर एक्सपेंसेस। तो जितना हिस्सा आपके लिए काम का है उतना ही हिस्सा आपने कंपैरेटिव के अंदर शो करना है। बात समझ आ रही है? सारी चीज़ें दिखाओगे तो वहाँ पे फिर आगे जाके तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सारा का सारा खाली तो छोड़ना है, तो उसके नंबर तो मिलेंगे नहीं, टाइम लग जाएगा, तो ध्यान रखना होगा इस चीज़ का, ठीक है ना? क्या मैं ये करके दिखाऊं? बस ख्याल रखना इस बात का, 19 और 20 फिलहाल इसका डेटा उसी ऑर्डर में दे रखा है जिस ऑर्डर में आपने कंपैरेटिव बनाना है। दिक्कत कहाँ आती है? इसका ऑर्डर अगर ये दे रखा है 20 और 19, तो आप क्या करेंगे? हैं, प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और है। सुनो, अब ये 20 और 19 के ऑर्डर में है, कराना जरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। पहले आप इसे उठाएंगे या इसे उठाएंगे? हाँ ठीक है, ये 20 लाख आ गया, 16 लिखेंगे ना, यही तो गड़बड़ है। आपने नहीं करना है ऐसा, सबसे पहले आपने ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। नहीं समझे? इससे क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। वैसे तो कुछ बच्चे समझ गए हैं कि क्या मैं बोलने जा रहा हूँ। क्या होता है बता सकते हैं? ठीक है, आपने ये 2-3 फिगर तो यहाँ पर लिख दिए, हाथ चलते चलते ना यहाँ से वहाँ हो जाना है। तो पहले पूरे एक ईयर को कंप्लीट करो, उसके बाद इसे कंप्लीट करो, फिर दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये तो डेफिनेटली इन दोनों पर डिपेंड करता है। नहीं समझे बात को? तो ख्याल रखना, कुछ और चीज़ें हैं यहाँ पर, देखो ज़रा मैंने कनेक्ट किया है। ये चारों बॉक्सेस आपको रीड करने हैं। नहीं समझ आ रहा है तो मुझे बताओ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे। समझ आ रही है? क्विकली रिवीजन है तो चीज़ें इसी तरह से बताई जाएंगी ना, ठीक है? ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपके मार्क्स उड़ा देती हैं। आगे बढ़ें। अच्छा, अब इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ क्या दिक्कत क्या रखी है, ऐसी नई क्या चीज़ है? सिर्फ कुछ फिगर्स को किसी दूसरे फिगर पर डिपेंड कर दिया गया है, तो वो रिलेशन आप आराम से एस्टेब्लिश कर लेंगे। यहाँ देखो कितनी सारी चीज़ें, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। पहले हम अपने प्रीवियस ईयर की बात कर लेते हैं। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को किस पर डिपेंड कर दिया? हाँ, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, इसके ऊपर ये डिपेंड कर रहा है। मतलब अगर मुझे इसकी वैल्यू पता है तो मुझे पहले इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। फिर अदर एक्सपेंसेस को किस पर डिपेंड कर दिया? हाँ, यहाँ जो वैल्यू मिलेगी इसके ऊपर ये वैल्यू मिल जाएगी, तो ये रिलेशन निकलते निकलते क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको कंपैरेटिव के अंदर ध्यान रखने हैं। याद आया कुछ? इंटरफर्म और इंट्राफर्म। कीर्ति क्या बताया था? ये वाला बताओ पहले तुम। इंटरफर्म मतलब कॉमन साइज, जब हम इसमें बनाते हैं मतलब अपनी फर्म से ही कंपेयर करते हैं आइटम्स को। इंटरफर्म वो होता है जब हम अपने ही बिजनेस के, नहीं दूसरे बिजनेस, हाँ जब हम अपना कंपैरिजन किसी दूसरे बिजनेस के साथ कर रहे हैं तो वो इंटर फर्म कंपैरिजन कहलाता है, और इंट्रा फर्म जब हम अपने ही किसी एक साल को किसी दूसरे साल के साथ या किसी एक आइटम को किसी दूसरे आइटम के साथ कंपेयर करते, तो वो इंट्रा फर्म एनालिसिस का पार्ट होता है। याद है ना? जैसे यहां पर देखो, ये कौन सा एनालिसिस है? ये इंट्रा फर्म है। अगर मैं कह दूं ये ए कंपनी है और ये बी कंपनी है, तो फिर ये इंटर फर्म एनालिसिस हो जाएगा। नेगेटिव फिगर्स के साथ क्या ट्रीटमेंट करना है? जैसे कि यहां पर ये देखो, चेंज इन इन्वेंट्री, पिछले साल कितना था? 80,000 पॉजिटिव, अब कितना हो गया? 1,20,000 का नेगेटिव।
तो चेंज जो है वो 2 लाख से गिरा है, क्योंकि 80,000 पॉजिटिव था, ठीक है। अब वो पहले जीरो पे आया होगा, फिर जीरो से और नीचे चला गया जमीन के अंदर, तो चीजें यहां से यहां तक घटी हैं। तो कितना चेंज आया टोटल? 2 लाख का चेंज। और जो चेंज है वो नेगेटिव चेंज है, तो रिजल्ट भी नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। चलो देखना, मैं वैसे अभी बता के आया हूं। मैंने बताया था अभी, आपने पहले इसे कंप्लीट करना है, फिर इसे कंप्लीट करना है, फिर इसे, ऐसे नहीं चलना है आपने इसके केस में। क्लियर है? चलिए कॉमन साइज के ऊपर बात करते हैं। हाँ जी, अब हम ये वाला हिस्सा पढ़ेंगे। टाइटल इसके अंदर भी सेम रहेंगे। क्या सेम? क्या लिखा जाता है इसके साथ? फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, ईयर का नाम जो नंबर होता है इसमें। एज एट 2 साल हैं तो दोनों ही साल लिखे जाएंगे उसी ऑर्डर में। यहां पर जो ऑर्डर है, यहां पर ऑर्डर, यहां का ऑर्डर अलग अलग रहता है, ठीक है ना, क्योंकि यहां करंट ईयर इधर है, प्रीवियस ईयर इधर है, इसमें प्रीवियस ईयर पहले है, करंट ईयर बाद में है। अभी इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं, ये बनेंगे कैसे। इसमें आपने ऊपर क्या लिखना है? परसेंटेज ऑफ आरएफओ। ऐसा क्यों करते हैं हम? क्योंकि दिस, हाँ, दिस इज द मेन इनकम, इसे बेस माना जाता है। बिजनेस अगर कोई भी चला रहा है तो उसका अल्टीमेट मकसद है माल बेचकर प्रॉफिट कमाना। सारी चीज़ें अगर एक बिजनेस के अंदर हो रही हैं तो वो इसी वजह से हो रही हैं। माल खरीदना किसी का सपना नहीं है, माल को बेचना और उससे प्रॉफिट कमाना, ये है सपना। सो दिस इज द मेन एलिमेंट। तो इसी के साथ इन सारे एलिमेंट का रिलेशन चेक किया जाता है। बैलेंस शीट के अंदर क्या होता है? बैलेंस शीट के अंदर टोटल ऑफ बैलेंस शीट, यानी कि टोटल ऑफ एसेट का हो या टोटल ऑफ लाइबिलिटी, उसके साथ सारे आइटम का रिलेशन चेक किया जाता है इसके अंदर, ठीक है। चलो देखते हैं जरा, जैसे कि प्रीवियस ईयर की बात कर लेते हैं। मुझे यहां पर इसे कितना मानना है? 100 मानना है। अब इसी के साथ इन सब का रिलेशन चेक करना होगा हमें। चलो इसका रिलेशन देखते हैं कैसे निकलेगा। 600 बताओ, यहां पर 600 अपॉन 4000 इंटू, तो ये आ गया 15%, ठीक है। कैसे निकलेगा? 200 डिवाइडेड बाय 4000 इंटू 100 कितना आ गया? 5%। अच्छा ये कैसे निकलेगा? 4200 डिवाइडेड बाय 4000 इंटू 100 कितना आ गया? 105। इस तरह से करके ये वाली लाइन, ये सारे निकलते चले जाएंगे इसी तरह से। क्लियर है? कॉमन साइज बैलेंस शीट। परेशान करने वाली सिर्फ एक ही चीज है, क्या? बैलेंस शीट पता होनी चाहिए। बैलेंस शीट नहीं पता है तो नहीं बनेगा। अच्छा जैसे कि इसे मैंने कितना माना और इसे भी कितना माना? 100। तो ये सेम ही तो रहेंगे, ठीक है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? 100% स्टेटमेंट भी इसे कहा जाता है, ठीक है। चलो जरा देखते हैं, ये कैसे निकला है? दिस डिवाइडेड बाय दिस इनटू 100, ठीक है ना। देखो जरा यहां पर क्या है, ये ए लिमिटेड है और ये बी लिमिटेड है, ठीक है। और ये ए लिमिटेड के अमाउंट में है इंफॉर्मेशन और ये परसेंटेज में है, सेम बी लिमिटेड के अमाउंट और परसेंटेज, तो ठीक है। इसमें आपने यहां इसे 100 मान लेना है, इसमें इसे यहां पर 100 मानना है, अकॉर्डिंगली ये परसेंटेजेस निकल जाएंगी। सिमिलरली इसे यहां पर 100 ले लो, इसे यहां पर 100 ले लो, ये भी निकल जाएंगी। क्या लिखा हुआ है?
इंटर फॉर्म एनालिसिस क्यों है? क्योंकि यहां पर बिजनेस दो है. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ वर्टिकल एनालिसिस. क्यों कहते हैं इसे? हाँ, क्योंकि जो एनालिसिस है वो टॉप टू डाउन, समझ रहे हैं आप, इस ऑर्डर में है. कॉमन साइज एसपीएल, कॉमन साइज एसपीएल के बारे में देखिए यहां पर क्या विचार लिखा है. इसके अंदर परेशान करने वाली कोई चीज ऐसी है क्या तुम्हें? नहीं. अच्छा, ये किस टाइप के एनालिसिस है? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एनालिसिस तो ये है ही. इंटर फॉर्म कह सकते हैं? नहीं कह सकते ना, क्योंकि ये एक ही बिजनेस का एक ही साल है, तो ये इंट्रा ही रहेगा ना. बस, किसी का कोई और डाउट है इसके अंदर? आई थिंक टॉपिक आपको थोड़ा सा रिपीट हो गया होगा, थोड़ा रिवाइज हो गया होगा. ठीक है.